सपनों की उड़ान, सेंटर फॉर एनएसआर से महात्मा गांधी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सलाम अलैकुम, मैं रेहाना मुरसल, सेंटर फॉर एनएसआर संस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सेंटर फॉर एनएसआर क्या है, इसकी सोच क्या है? रेनेसा सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा है, आपकी मदद से बनी हुई आपकी अमानत है। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में हेरले गांव में 1.5 एकड़ जमीन पर सेंटर फॉर रेनेसा लोगों की मदद से सोशल लैबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तामील हो रहा है। ये सेंटर मुसलमानों के जिंदगी में तालीम में इनकलाब लाने वाला मरकज है। उम्मत की उन्नति ये हमारा मकसद है, इसे समझना ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए भी बहुत मायने रखता है। एजुकेशन, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, इकोनॉमी, सामाजिक बदलाव, सियासी मसले, इन सब मसलों का हल जोड़ने के लिए प्रोफेशनल तरीके से इस सेंटर की जरूरत है। महाराष्ट्र में पहली बार हम सेंटर फॉर रेनेसा के जरिए एक कोशिश कर रहे हैं। रेनेसा मुस्लिम समाज को नॉलेज सोसाइटी में तब्दील करने की तहरीक है। पिछले 125 साल से महाराष्ट्र को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजार है। इस सेंटर में डिजिटल स्टूडियो और कॉन्फ्रेंस हॉल बनने जा रहा है, जहां महाराष्ट्र कर्नाटक के बच्चे मैथ्स, साइंस, आर्ट, लैंग्वेज, हेल्थ एजुकेशन से जोड़े जाएंगे। स्टूडियो से मीडिया नेटवर्क भी चलाया जाएगा। मुसलमानों का सामाजिक और समाजी तरीका एक मॉडर्न मरकज बनेगा। सेहत, कानून, औरतों के मसले, खेती, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए मसले के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ रेगुलर चलेंगे। ये काम के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। डिजिटल स्टूडियो, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैथमेटिक्स के प्रोग्राम चलाने के लिए हमें रुपयों की जरूरत है। आप सभी से इल्तजा है कि आप दिल खोल के इस काम के लिए चंदा, जकात, डोनेशन दे। रेनेसा CSR गवर्नमेंट रजिस्टर है, आपको ATG के तहत टैक्स में भी बेनिफिट मिल सकता है। आप QR कोड से या बैंक अकाउंट में या रोक रकम में भी चंदा, जकात, डोनेशन दे सकते हैं, जिसकी रिसीट आपको दी जाएगी। QR कोड, बैंक अकाउंट का तफसील हम आपको दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिल खोल के मदद करें। आप 100 रुपए भी देंगे तो इंशाल्लाह बहुत मदद हो सकती है। खुदा हाफिज।